नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो नज़दीक आने वाला है, और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी के लिए एक और इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आया हूँ, जिसमें मैं बात करूँगा मध्य प्रदेश के इतिहास के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज हम मध्य प्रदेश के इतिहास का ये जो टेस्ट करेंगे, और उसके बाद जो भी आगे आपके सेशंस होंगे मध्य प्रदेश के इतिहास या और भी जो क्वेश्चन होंगे, तो उसमें हम लोग कंप्लीट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। मतलब कंप्लीट एमपी जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें एमपी ज्योग्राफी भी रहेगा, पॉलिटी भी रहेगा, आर्ट एंड कल्चर को भी हम लोग कवर करेंगे। लेकिन आज एक टेस्ट है जिसमें हम लोग सिर्फ मध्य प्रदेश के इतिहास के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी लोग जुड़ जाइए और मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। चलिए, ओके, आप लोगों मेरी आवाज़ क्लियर है? हाँ जी। तो देखिए, अनअकैडमी समय समय पर आपके लिए कुछ बेहतर ऑफर लेकर आता है, और उसी क्रम में आज अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत ही शानदार ऑफर लेकर आया है, और ये शानदार ऑफर है 20% डिस्काउंट का। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी अनअकैडमी पर एक ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको अनअकैडमी का कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो आज ही आप मेरा रेफरल कोड हरी10 यूज़ करके अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बेहतर और मजबूत बने, तो आप अनअकैडमी के साथ अनअकैडमी प्लस पे पूरा कोर्सेज आप देख सकते हैं, एमपीपीएससी का, प्रीलिम्स का, मेंस का, और उसी को ध्यान में रखते हुए ऑफ़र आया है। ये जो ऑफ़र है बच्चों, इसकी जो लास्ट डेट है वो 21 नवंबर, यानी 21 नवंबर ही इसकी लास्ट डेट है। तो आप उससे पहले ये रेफरल कोड यूज़ करके अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ क्या आपको खास मिल रहा है? तो देखिए, अनअकैडमी आप सभी लिए कुछ बेहतरीन बैच लेकर आया है। जैसे कि एक बैच है रामबाण, 30 दिन का एक रिवीजन बैच है, 7 नवंबर से स्टार्ट हुआ है, जिसमें मेरी क्लास स्टार्ट होगी 1 दिसंबर से, जिसमें मैं आपको इंडियन हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों को कवर करूंगा, ठीक है। इसके साथ साथ इन सभी टॉप एजुकेटर की क्लासेस इसमें मिल जाएंगी, और आपको सभी यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इस कोर्स में मिल जाएंगे। दोस्तों, एक और बहुत ही शानदार बैच जो कि शुरू हुआ है आपका 2024 एमबीबीएससी मेंस और प्री के लिए। देखिए, आप सब जानते हैं कि 17 दिसंबर के बाद आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो एमपीपीएससी 2024 होगा, और इसका जो एग्ज़ाम कैलेंडर अभी जो डेट है वो 28 अप्रैल है। उसी को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार बैच लेकर आया, जिसका नाम है बुलंदी। ये एक फाउंडेशन बैच है एक तरीके का, जिसमें आपको ये सभी टॉप एजुकेटर की पूरी क्लासेस मिलेंगी। प्री प्लस मेंस दोनों के लिए कोर्स अवेलेबल है, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ ब्रह्मास्त्र सेकंड एक डाउट क्लियरिंग सेशन है। इसके अलावा गणित का पूरा सिलेबस आपको कपिल कांत शर्मा सर पढ़ाएंगे, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो। हिंदी कंप्लीट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको शिवम अग्रवाल सर पढ़ाएंगे। इसके अलावा यूनिट 7 जो है वो आपको अमित सर पढ़ाएंगे। तो ये कुछ बेहतरीन कोर्सेज चल रहे हैं, और आपका जो नेक्स्ट टेस्ट है वो 23 नवंबर को होने वाला है, मास्टर एडिशन टेस्ट सीरीज़ के क्रम में, ठीक है। चलिए, आइए अब हम हमारे आज के जो टेस्ट का हमारा टॉपिक है उस पर चलते हैं। चलिए देखिए, तो हम लोग जो टेस्ट के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, हो सकता है आप लोगों ने कुछ पहले से पढ़े हों, लेकिन कुछ बेहतरीन हो सकते हैं। आइए देखते हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आएंगे। देखिए, इस क्रम में जो पहला एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नर्मदा घाटी के महादेव पिपरिया क्षेत्र उत्खनन में पुरातत्ववेत्ता सूपेकर तथा सांकलिया द्वारा कितने उपकरण इकट्ठे किए गए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को ये समझाया होगा
एक सुपेकर महादेव थे और एसडी संगलिया, इन दो लोगों के द्वारा कितने उपकरण कलेक्ट किए गए हैं नर्मदा घाटी में? ऑप्शन ए 400 उपकरण, बी 1100 उपकरण, ऑप्शन सी 860 उपकरण, ऑप्शन डी है 525 उपकरण। ये हिंदी में लिखा हुआ है तो थोड़ा सा ये जानबूझकर ये लिखा जाता है, जैसे कि अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो तो आप बताइए क्या आंसर होगा पहले क्वेश्चन का। हेलो आकाश, हेलो जय, हेलो, बताइए पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा। हेलो ज्योत्सना, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों? देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा 860 उपकरण। क्या है? 860 उपकरण। देखिए इन दोनों विद्वानों के द्वारा नर्मदा घाटी में स्थित पिपरिया महादेव नामक क्षेत्र से 860 उपकरणों की खोज की गई थी। और ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, या तो आपसे पूछा जा सकता है कि पिपरिया महादेव पिपरिया क्षेत्र में किसने उत्खनन किया था, तो आपको आंसर में याद रखना है सुपेकर महादेव और एसडी सांकलिया में से सांकलिया आपका लिखा हुआ है। तो कितने उपकरण थे? 860 औजार जो हैं वो प्राप्त हुए थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, पहला क्वेश्चन है जो आपको परेशान कर सकता है अगर ऐसा एग्जाम में आया तो। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ऑलरेडी आपका एमबीबीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश में प्राग ऐतिहासिक शैलचित्र कहाँ पाए जाते हैं? क्वेश्चन इंग्लिश में दिया है, वेयर आर प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स फाउंड इन मध्य प्रदेश? बताइए इसका आंसर क्या होगा। सेकंड का क्वेश्चन क्या होगा? हेलो आनंद वर्मा, स्वागत है आपका। सेकंड का आंसर क्या होगा? थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। सेकंड का आंसर बता रहे हैं, सबसे पहले कमेंट किया वासुदेव ने, आकाश ने, डी बोल रहे हैं वासुदेव और आकाश। आइए देखते हैं। देखिए सेकंड का जो आंसर है वो है भीम बेटका। भीम बेटका आप सभी लोग जानते हैं कि भीम बेटका क्यों फेमस है, आप सबको पता है। भीम बेटका की तीन चार विशेषताएं तो आपको याद रखनी है। पहली चीज़ ये है कि भीम बेटका है कहाँ पर, तो रायसेन जिले के ओबेदुल्लागंज में है, आप सब लोग जानते हैं। दूसरी खास बात क्या है? दूसरी खास बात ये है कि जो भीम बेटका है इसके खोजकर्ता जिनका नाम क्या था, श्री विष्णुधर बाकणकर महोदय। 1957 और 58 में इसकी खोज श्री विष्णुधर बाकणकर महोदय द्वारा की गई है, तो ये भी आप जानते हैं विष्णुधर बाकणकर महोदय। तीसरी खास बात यह है कि ये जो स्थान है जिसे हम भीम बेटका कहते हैं, ये पूरी दुनिया में अपने शैल चित्रकला के लिए फेमस है, यानी रॉक पेंटिंग्स के लिए फेमस है। पूरी दुनिया में शैल चित्रकला के लिए फेमस है। एक और खास बात यह है कि ये पाषाणकालीन यानी भारत की सबसे प्राचीन पाषाणकालीन गुफाओं को प्रदर्शित करता है। पाषाणकाल का सबसे पुराना जो हमको साक्ष्य मिलता है गुफाओं का, वो भीमबेटका से मिलता है। पूरा पाषाणकाल से लेकर नव पाषाणकाल तक की गुफाएं हमको यहाँ देखने को मिलती हैं। एक और खास बात है कि यहाँ इस प्लेस को 2003 में क्या घोषित किया गया है? विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। अगर कोई आपसे एक शब्द में पूछे कि भैया भीम बेटका क्यों जाना चाहिए या भीम बेटका क्यों फेमस है, तो उसका आंसर है ये वर्ड। कौन सा वर्ड? ये वर्ड, ठीक है। यानी भीम बेटका पूरी दुनिया में अपने शैल चित्रकला के लिए फेमस है। और इसमें ऐसी कौन सी शैल चित्रकला है, तो याद रखिएगा आदि मानव काल की, यानी पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल का मानव किस तरीके के पेंटिंग्स बनाता था, क्योंकि ये हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है, इसीलिए 2003 में से वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है गुप्त शासक। देखिए एक गुप्त शासक की चर्चा हो रही है। गुप्त शासक समुद्रगुप्त के काल में मध्य प्रदेश के सागर के आसपास का भाग सभोग नाम से किस अभिलेख में उल्लिखित किया गया है? क्वेश्चन अच्छा है, आप पढ़ सकते हैं। गुप्त शासक समुद्रगुप्त के काल में मध्य प्रदेश के सागर के आसपास का भाग सभोग नाम से उल्लिखित किस अभिलेख में किया गया है? ए इलाहाबाद स्तंभ लेख, बी एरन अभिलेख, सी विदिशा अभिलेख और डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। और दिए गए प्रश्न का जो सही आंसर है वो है डी एरन अभिलेख। कौन सा बेटा? डी एरन अभिलेख। हम सब जानते हैं कि समुद्रगुप्त ने अपने जीवन का अंतिम समय जो है वो एरन में बिताया था, और उसके बारे में जो लिखा गया है कि एरन को उस समय सौभोग नगर कहा जाता था,
समुद्रगुप्त की तुलना इस एरन अभिलेख में रघु और प्रथु जैसे राजाओं से की गई है, यानी समुद्रगुप्त रघु और प्रथु जैसे राजाओं से तुलना की गई है। समुद्रगुप्त को रघु और प्रथु जैसे राजाओं से महान बताया गया है, तो ये आपको याद रखना है। एरन अभिलेख में, एरन अभिलेख में समुद्रगुप्त को के इस रीजन को सभोग नगर कहा गया है, ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, काकनावाट क्षेत्र से अशोक का कौन सा अभिलेख प्राप्त हुआ है। देखिए जिस तरह का ये क्वेश्चन है, ये उम्मीद कर सकते हैं आपके ऐसा एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। काकनावाट क्षेत्र से अशोक का कौन सा अभिलेख प्राप्त हुआ, ए रूपनाथ, बी पानगुड़रिया, सी सारोमारो और डी संघभेद अभिलेख। कौन सा अभिलेख जो है वो काकनावाट क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहला ही वर्ड है जो एग्जाम में आपको आकर्षित कर सकता है। ठीक है, चलिए तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ये वाला, क्षेत्र से आप कनेक्ट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अशोक का एक अभिलेख मिला है सांची से, कहां से मिला बेटा, सांची से अशोक का एक अभिलेख मिला है जिसे सांची अभिलेख या सांची लघु स्तंभ लेख के नाम से जानते हैं। इस अभिलेख में अशोक ने घोषणा की थी कि जो भी व्यक्ति संघ में भेद डालने का काम करेगा, सांची अभिलेख में अशोक ने क्या लिखवाया कि जो भी व्यक्ति संघ में भेद डालने का काम करेगा उसका सिर मुड़वा कर संघ से बाहर कर दिया जाएगा। इसमें यानी सांची अभिलेख में और एक अशोक का सारनाथ स्तंभ लेख है उसमें भी सेम लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा सांची अभिलेख में अशोक ने क्या लिखवाया, संघ भेद के बारे में लिखवाया है कि अगर कोई संघ के बारे में फूट डालने का प्रयास करेगा तो उसे संघ से बाहर कर दिया जाएगा। इसीलिए अशोक के सांची अभिलेख को संघ वेद अभिलेख के नाम से जानते हैं। ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेख के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो सेंटेंस है चारों में से वो असत्य है। चलिए बताइए, क्या होगा, देखो अब अशोक के अभिलेख के संबंध में से गलत पूछा गया है, ध्यान से सुनना। अगर हम चारों ऑप्शंस पे थोड़ा सा नजर मारें तो हमको ये पता है कि ये वाला जो सेंटेंस है वो कथन है, क्योंकि अशोक का एक सारो मारो अभिलेख मिला है शेड्यूल से। अगर हम पहले तो करेक्ट ढूंढ लेते हैं, दूसरा ये कथन सत्य है कि उसका एक पनगुड़रिया अभिलेख मिला है सी ओर से। अब हम बचे होंगे दो में कंफ्यूज, ठीक है। अब कारी तलाई तो आज तक कभी अशोक से कनेक्ट ही नहीं हुआ है। कारी तलाई का संबंध जो है एक राजा थे, अगर आप में से किसी ने नाम सुना हो, युवराज, किसी ने नाम सुना है युवराज प्रथम का ये अभिलेख है कारी तलाई, और इस अभिलेख में कोक्कल की चर्चा की गई है, यानी कारी तलाई अभिलेख पहली बात तो दतिया में नहीं है। कारी तलाई कहाँ पर है, जबलपुर, कहाँ पर है, एक सेकंड, जबलपुर, ठीक है। अब आते हैं कि इसको तो हमने सिलेक्ट कर लिया, अब आते हैं कसरावत, खरगोन में है, और यहाँ से एक्चुअली में क्या है कि अशोक का एक स्तूप भी मिला है और उसके साथ कुछ अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। तो अब मैं अगर इसमें से सिलेक्ट करूँ तो मुझे लगता है हमारा एक ही आंसर सबसे सही जाएगा, कि जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो होगा सी, क्योंकि यही सेंटेंस गलत है टोटल चारों सेंटेंस में। तो इसका सही उत्तर क्या है, सी हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो अशोक के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा, बताइए कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, इसका सही आंसर होगा सी। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे आप कसरावत से अशोक का स्तूप और आपका एक अभिलेख भी प्राप्त हुआ, सारो मारो शहडोल से है और पनगुड़रिया सीहोर में है, लेकिन कारी तलाई इज रिलेटेड टू कल्चुरी शासक युवराज। और अगर आपको याद हो इस अभिलेख में ये कहा गया है कारी तलाई में
कोक्कल प्रथम की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि इसने उत्तर में भोज और दक्षिण में कृष्णराज को अपना प्रथम अपना शक्ति का प्रतीक बनाया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लगता है ये हो सकता है। आइए पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है जो हर साल कुछ अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। देखिए क्या पूछा गया एग्जाम में, आइए समझते हैं क्या पूछा गया। एक सेकेंड, क्वेश्चन है रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है, आपको बताना है। बताइए रेशम बुनकरों की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है, आइए बताइए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। जय सीमा आकाश स्नेहा। देखिए ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और मैं इसे कई बार समझा चुका हूँ। दसपुर अभिलेख इसे कहते हैं, क्योंकि ये YouTube क्लास में हम पहली बार डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा इसका दो मिनट बताना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि इससे जो बाकी लोग हैं उसे कभी नहीं भूलें। देखिए ये कहानी एक्चुअली में होती है, यहाँ से शुरू होती है। दो मिनट के लिए मैं आपका समय लेना चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा बिल्कुल अगर किसी को लगता है कि उसका समय ख़राब हो रहा है। यहाँ पर भरूच और गुजरात के क्षेत्र में, आप तो गुजरात समझ लीजिए, गुजरात में रेशम का बहुत अधिक काम होता था। किसका काम होता था, रेशम का काम होता था। रेशम बुनकर यहाँ पर रहते थे क्योंकि वो रेशम का ट्रेड करते थे। लेकिन हुआ क्या था कि पश्चिम में, जब आपने शायद सुना होगा, एक एम्पायर हुआ करता था, रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य। इस रोमन साम्राज्य को बर्बाद कर दिया था हूणों ने। तो जब हूणों ने इस पर आक्रमण करके इसे बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया, तो ये जो रेशम की डिमांड थी एक्चुअली में इधर थी। रेशम एक्सपोर्ट किया जाता था भारत से, और क्या हुआ, जब ये एम्पायर बर्बाद हो गया रोमन साम्राज्य, तो रेशम का जो काम है वो इस क्षेत्र में बंद हो गया। तो यहाँ से ये जो रेशम बुनकर हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, और ये मूव करके पहुँचते हैं मंदसौर। तो मंदसौर में एक डायनेस्टी शासन करती थी जिसका नाम था ओलिकर वंश। तो ओलिकर वंश के जो शासक हैं वो इनको अपने यहाँ पर संरक्षण देते हैं, ओलिकर वंश। और ओलिकर वंश का एक राजा था जिसका नाम था बंधु वर्मा। क्या नाम था बेटा, बंधु वर्मा, जो कि गुप्त शासक कुमार गुप्त का सामंत था। यानी अगर हम इस अभिलेख को कनेक्ट करें तो ओलिकर प्लस गुप्तों से दोनों से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये जो बंधु वर्मा थे ये कुमार गुप्त के सामंत थे। गुप्त शासक कुमार गुप्त के कौन थे, कुमार गुप्त के सामंत थे, तो दोनों से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बाद में जब बंधु वर्मा ने यहाँ पर एक अपना अभिलेख लिखवाया था, उस अभिलेख का नाम था मंदसौर प्रशस्ति। शायद आप सब लोग सुने होंगे, यह मंदसौर अभिलेख कहते हैं, मंदसौर प्रशस्ति अभिलेख, मंदसौर प्रशस्ति अभिलेख। इस अभिलेख में एक दो बातों की चर्चा है। एक तो इसमें सूर्य मंदिर बनवाया गया, सूर्य मंदिर बनवाने का उल्लेख है। और दूसरा उल्लेख किस बात का किया गया था, दूसरी चर्चा की गई थी इसमें, रेशम बुनकरों की चर्चा की गई थी, रेशम बुनकरों की चर्चा। तो रेशम बुनकरों की जब इसमें चर्चा की गई तो ये बताया गया था कि ये जो रेशम बुनकरों की श्रेणी है वो यहाँ आ गई थी। कहाँ से, लाट प्रदेश से। अगर एग्जाम में पूछा जाए कहाँ से आए थे ये लाट, लाट मतलब होता है गुजरात। और इनको रेशम बुनकर या इनको तंतुवाय श्रेणी कहते हैं। कभी एग्जाम में ये पूछ सकते हैं आपसे कि तंतुवाय की श्रेणी की चर्चा किस अभिलेख में की गई है। तो आज के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि रेशम बुनकरों या तंतुवाय की श्रेणी की चर्चा की गई है मंदसौर प्रशस्ति अभिलेख में, ये अभिलेख ओलिकर शासक बंधु वर्मा का है, लेकिन इसमें कुमार गुप्त का भी कनेक्शन है, गुप्त शासक। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आप इस प्रश्न को देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि रेशम बुनकरों की श्रेणी की निम्नलिखित किस शिलालेख में चर्चा है। क्योंकि रेशम बुनकर उसमें हाईलाइट किए गए थे, रेशम बुनकरों द्वारा उस मंदिर को दान दिया गया था, उस मंदिर के विस्तार में, इसीलिए उसमें रेशम बुनकरों को हाईलाइट किया गया था, ठीक है। और उससे एक प्रश्न और बनता है कि इसे एडवर्टाइजमेंट का पहला अभिलेख भी माना जाता है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल देखिए, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था, बताइए क्या था। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था, ए काकड़ाम, बी बेत्रवती, सी बेसनगरी और डी दसपुर, बताइए क्या था।
देखिए इसे काकड़ाम या इसे काकनावाद कहते हैं, काकनाद बोल सकते हो आप, या आपको ऐसा लग रहा है इसका इरेजर तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, काकनाबाद कहते थे, काकनाबाद कहते हैं सांची को। अब उसमें काकनाबाद ना लिखते हुए उसमें क्या लिखा था, सिर्फ उसमें काकड़ाम लिखा था। बेत्रवती बेतवा को कहा जाता है, दसपुर मंदसौर को कहा जाता है, ठीक है, और आपका बेस नगरी विदिशा को कहा जाता है। तो इसमें दिए गए विकल्प में सांची किसके लिए कहा गया है, काकड़ाम, तो इसका सही आंसर होगा ए, सांची। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडो ग्रीक शासक मिनांडर की मुद्राएं मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुई हैं, आपको बताना है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताएं। इंडो ग्रीक शासक मिनांडर की मुद्राएं किस जिले से प्राप्त हुई हैं या किस स्थान से प्राप्त हुई है, आपका आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। इसके बाद जो आपको दो चार टेस्ट है मैं कंप्लीट एमपी के ले लूँगा, जिसमें नदियाँ, वन, नेशनल पार्क सब रहेंगे, तो आपका अच्छे से काम हो जाएगा। इसका सही आंसर है बालाघाट। देखिए मीनांडर के सिक्के बालाघाट से मिले हैं मध्य प्रदेश में, इसके अलावा मीनांडर के कुछ सिक्के गुजरात के भरूच से मिले हैं, किससे मिले, गुजरात के भरूच से। इसके अलावा मीनांडर की एक खास बात और है कि सर्वप्रथम भारत में, क्या बेटा, सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के अगर किसी शासक ने चलाए थे वो यही है। तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने की जो जानकारी है वो हमें मीनांडर से ही कनेक्ट होती है, तो इसका जो सही आंसर है वो बालाघाट है। हालांकि मीनांडर को बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहते हैं, और इसकी चर्चा है एक बौद्ध साहित्य में जिसका नाम है मिलिंद पनो, जो कि नागसेन ने लिखी है। तो मीनांडर से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। मीनांडर की कैपिटल का नाम साकल था, साकल जिसे आज सियालकोट कहते हैं, जो कि पाकिस्तान में है। तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मीनांडर, साकल या सियालकोट। मीनांडर को बौद्ध साहित्य में क्या कहते हैं, मिलिंद कहते हैं। मीनांडर के सिक्के मध्य प्रदेश के किस जिले से मिले हैं, बालाघाट से मिले हैं। और अगर पूछे तो किस बंदरगाह से इसके सिक्के मिले, भरूच, जो कि गुजरात में था। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के इसने चलाए हैं, और इसे ये माना जाता है कि पुष्यमित्र सुंग, यानी सुंग शासक पुष्यमित्र सुंग द्वारा मीनांडर को पराजित किया गया था। चलें आगे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विदिशा में नागवंश के किस शासक की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, विदिशा में या विदिशा से नागवंश के किस शासक की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। आपको ये लग रहा होगा कि आप ये डेली पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आपको नए लग रहे होंगे, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या है बच्चों। इसका जो सही आंसर है वो है बृहस्नाग, जो कि विदिशा में नागवंश का संस्थापक था। देखिए विदिशा में नागवंश की स्थापना बृहस्नाग द्वारा की गई थी। विदिशा में नागवंश का संस्थापक कौन था, बृहस्नाग, और बृहस्नाग के सिक्के हमको विदिशा से ही मिले हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, नागवंश, अगला नेक्स्ट और बेहतरीन क्वेश्चन है, नागवंश से संबंधित अधिकांश मुद्राएं किस स्थान से प्राप्त हुई हैं, बताएं। दिए गए विकल्प में आपको सही आंसर बताना है। राघव भैया कन्फ्यूजन तो होता ही है जब हम अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, जब हमारा रिवीजन और पढ़ाई दोनों अच्छे से होती है तो फिर कन्फ्यूजन नहीं होता, सीधी सी बात है, बताइए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए इसका जो सही आंसर है। दिए गए विकल्प में इसका सही आंसर है पाया नहीं है, ये
पवाया है, पवाया, पवाया या पद्मावती जो कि ग्वालियर में है। यहाँ से दिए गए विकल्प में अधिकांश नाग वंश की सिक्के मिले हैं, लेकिन आप जानते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक सिक्के नागवंश के कहाँ से मिले हैं, तो नागवंश के सर्वाधिक सिक्के मिले हैं कुतवार, जो कि आता है मुरैना। कहाँ से मिले हैं? कुतवार। कितने मिले हैं मुरैना से? तो पूछिए मत। कितने मिले हैं? 18,559। 18,559 सिक्के मिले हैं मुरैना के कुतवार से, जो सबसे ज़्यादा हैं नागों के सिक्के। लेकिन क्योंकि कुतवार ऑप्शन में नहीं है, एरन है, पवाया या पद्मावती है, नवदा टोली है, बेसनगर, तो ये दो ऑप्शन तो नागों से संबंधित ही नहीं है। अब बचे दो, तो पहले कैपिटल क्या थी? प्राथमिक शासक के समय विदिशा थी, तो यहाँ ज़्यादा सिक्के हो नहीं सकते। बाद में ज़्यादातर कैपिटल क्या रही है? पद्मावती है, पवाया रही है, इसलिए इसके सिक्के यहाँ से ज़्यादा मिले हैं। सबसे ज़्यादा सिक्के 18,559 सिक्के जो हैं वो मिले हैं कुतवार यानी मुरैना। तो दिए गए विकल्प में कुतवार ना होने की वजह से हमने इसका सही आंसर पवाया माना है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गुप्त शासक। आपको ये लग रहा होगा डेली आप यही पढ़ रहे हैं, लेकिन हर तरह के क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। प्रथम गुप्त शासक जिसकी मुद्राएं मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई हैं कौन था? बताइए बेटा, इसका जो सही आंसर है वो है समुद्रगुप्त। पहला गुप्त शासक जिसके सिक्के मध्य प्रदेश से मिले हैं वो समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त के सिक्के दो जगह यानी दो स्थानों से प्राप्त हुए हैं। एक का नाम है बमनाला, जो कि खरगोन में है, सोने के सिक्के हैं समुद्रगुप्त के, बमनाला खरगोन। और दूसरे जो सिक्के हैं उनको बोला गया, ये मिले हैं ग्राम सकोर। सकोर आजकल बहुत फेमस है और सकोर मिला है दमोह से। देखिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, दमोह के दो तीन क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आप देखेंगे तो दमोह में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। दमोह का नाम तुड़ीकर था। अगर आपसे देखें बटियागढ़ अभिलेख बड़ा फेमस है दमोह का, जो ग्यासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे दमोह में। गोंडों की एक कैपिटल थी, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं उसका नाम क्या था। चलें आगे। तो समुद्रगुप्त पहला गुप्त शासक था जिसके सिक्के मध्य प्रदेश से मिले। अब है गुप्त वंश से संबंधित शासक कांच की मुद्राएं किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? अब आपको लगेगा यार कांच के बारे में तो सर डेली बात करते हैं, ये आपके एमबीपीएससी मेंस में 3 मार्कर में आया हुआ क्वेश्चन है कांच, बताएं। और इसका सही आंसर है विदिशा। मैं हमेशा आपको बता के आया हूँ, एक तो आपका कांच और एक आपका रामगुप्त, रट लो आप। रामगुप्त और कांच के सिक्के, दोनों के सिक्के, रामगुप्त और कांच के सिक्के कहाँ से मिले हैं? विदिशा से मिले हैं। हालांकि रामगुप्त का एक सिक्का एरन से भी मिला है। कहाँ से मिला है? एरन से, लेकिन इम्पोर्टेंट है विदिशा। अगला क्वेश्चन, देव कुठार, ऑलरेडी उन्होंने लिख दिया है बेटा। देव कुठार में स्थित स्तूप निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? वैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये बनता है कि देव कुठार है कहाँ पर, लेकिन आपको एक क्वेश्चन का आंसर तो पता चल गया कि देव कुठार रीवा में है। अब आप दूसरे प्रश्न का उत्तर बताइए कि देव कुठार में स्थित स्तूप निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी वैष्णव धर्म और डी शैव धर्म, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा बौद्ध धर्म, क्योंकि इस स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने और अशोक है बौद्ध, ठीक है, क्योंकि अशोक बौद्ध धर्म को मानता था और अशोक के द्वारा ही भारत में 84,000 स्तूप, कितने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया है, और इसके बहुत सारे स्तूप हमारे मध्य प्रदेश से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनानी राजदूत
यूनानी राजदूत हेलियोडोरस, यूनानी राजदूत हेलियोडोरस किस शुंग शासक के शासनकाल में भारत आया था? बताएं। और इसका सही आंसर है भागभद्र। ठीक है, भागभद्र शुंग वंश का 9वां शासक था। इसके समय जो है यूनानी राजदूत हेलियोडोरस आया था। हेलियोडोरस तक्षशिला से आया था। तक्षशिला का एक राजा था एंटियाल्किड्स, उसके दरबार से आया था। तक्षशिला के राजा एंटियाल्किड्स के राजदूत के तौर पर उसने भारत की यात्रा की। भारत में कहाँ आया? विदिशा आया, भागभद्र के दरबार में। और फिर आगे क्या हुआ वो आपको पता है। बेहतरीन क्वेश्चन। एक और अगला, मध्य प्रदेश की निषाद जाति का वर्णन वैदिक कालीन किस साहित्य में किया गया है? बताएं। मध्य प्रदेश की निषाद जाति का वर्णन किस वैदिक साहित्य में किया गया है? और इसका जो सही आंसर है, देखिए आपने पढ़ा होगा, इसका सही आंसर है ऐतरेय ब्राह्मण, जो मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। ऐतरेय ब्राह्मण में निषाद जाति की चर्चा की गई है, क्योंकि ऑप्शन में ऐतरेय नहीं है, परंतु ऑप्शन में ब्राह्मण ग्रंथ है और ऐतरेय एक ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐतरेय ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथ है, याद रखिएगा। निषाद जाति की चर्चा होती है ऐतरेय ब्राह्मण में, जिसमें कहा गया है कि सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में निषाद जाति का राज्य था, जो नर्मदा नदी क्षेत्र में रहती थी। तो इस विकल्प के हिसाब से ए आंसर अप्रोप्रिएट होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दीप वंश में मध्य प्रदेश के किस जनपद की दो कहानियाँ हैं? दीप वंश में मध्य प्रदेश के किस जनपद की दो राजधानियों का वर्णन है? दो राजधानियों का वर्णन है, बताएं। क्या आंसर होगा बच्चों, क्या आंसर होगा इसका? इसका जो सही आंसर होगा वो अवंती है। आप सब जानते हैं अवंती महाजनपद की या अवंती जनपद की दो राजधानियाँ थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी? माहिष्मती। तो माहिष्मती और आपका उज्जैनी, ये दो कैपिटल थी। इसका सही आंसर है ए, अवंती। आगे बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मृच्छकटिकम ग्रंथ के अनुसार उज्जैनी शासक चंड प्रदोत का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? दो क्वेश्चन होगा इसमें से, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आने लायक। क्या पता आपसे क्या पूछ लें, हो सकता है ये पूछ लें, या ये हो सकता है ये पूछे कि हु वाज द राइटर ऑफ मृच्छकटिकम। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर है बच्चों, मृच्छकटिकम के राइटर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। मृच्छकटिकम एक पुस्तक है शूद्रक नामक विद्वान की, और शूद्रक एक बहुत बड़े नाटककार थे, नाटकचार्य बोल सकते हो। मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना। क्या अर्थ होता है इसका? मिट्टी का खिलौना। तो ये जो मिट्टी का खिलौना नामक ग्रंथ है वो लिखा है शूद्रक नामक राइटर ने। शूद्रक इसके लेखक हैं। दूसरी खास बात यह है कि इस पुस्तक में एक बहुत अच्छी कहानी है। एक चारुदत्त नाम का ब्राह्मण होता है, और चारुदत्त नाम का जो ब्राह्मण होता है उसको एक लड़की से या एक गणिका से प्रेम हो जाता है, और उस गणिका का नाम होता है वसंत सेना। वसंत सेना उज्जैन की होती है, और ये एक व्यापारी होता है जो अक्सर उज्जैन आता है। वसंत सेना कहाँ की गणिका थी? वसंत सेना उज्जैन यानी अवंती की गणिका थी।
क्योंकि वो अवंती आता है यानी उज्जैन आता है, इसीलिए उसमें उज्जैनी के एक शासक की चर्चा है जो कि चंड प्रदोत का उत्तराधिकारी यानी उसका पुत्र था, और उस शासक का नाम है पालक। क्या नाम था? चंड प्रदोत का बेटा जिसका नाम था पालक। चंड प्रदोत की एक विशेषता है, हस्ती पालन में विशेषज्ञ था। अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए ना कौन सा राजा हस्ती पालन की जानकारी रखता था, यानी हाथियों को पालने में महारत हासिल थी चंड प्रदोत को, सारे क्वेश्चन कनेक्ट हैं। देखो बड़ा सिंपल है, मृच्छकटिकम का अर्थ मिट्टी का खिलौना, राइटर मृच्छकटिकम शूद्रक, जैसे मृच्छ अजीब सा नाम है, शूद्रक मृच्छ, शूद्रक मृच्छ, शूद्रक कनेक्ट कर लेना। इसमें किसकी कहानी है? चारुदत्त नामक ब्राह्मण और बसंत सेना नाम की नाचने वाली गणिका की कहानी है, और इसमें जिस उज्जैनी के शासक का उल्लेख है जो चंड प्रदोत का लड़का, उसका नाम है पालक। खाने वाली नहीं, पालक मतलब प्रजापालक, राजा को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशाख दत्त के ग्रंथ मुद्रा राक्षस में निम्न में से किस नदी का वर्णन है? ये बहुत पूछी गई है आपके एग्जाम में, आएगी नहीं आएगी, हो सकता है इस बार ये पूछ लें, हटके क्वेश्चन है। हेलो गौतम, स्वागत है आपका। हो गया बच्चों, इसका जो सही आंसर है वो है बी, हिरण्यवाह या सोन नदी। हिरण्यवाह कहते हैं या हिरण्यगर्भ कहते हैं सोन नदी को, क्योंकि मुद्रा राक्षस की स्टोरी का जो नायक है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। आपने नाम सुना है चंद्रगुप्त मौर्य का? चंद्रगुप्त मौर्य किस प्रकार मगध का शासक बना, ये स्टोरी मिलती है इस नाटक में, यानी चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कैसे बैठा, मगध की गद्दी पर कैसे बैठा, ये इस नाटक में बताया गया है, जिस नाटक का नाम है मुद्रा राक्षस। ये नाटक है, इस नाटक के राइटर हैं विशाख दत्त। विशाख दत्त ने अपने नाटक जिसका नाम है मुद्रा राक्षस, इसमें ये कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य वृषल कबीले का था। वृषल मतलब होता है निम्न कबीला। ये बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक वृषल यानी निम्न कबीले का था, और याद रखें आगे उसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार उसे आचार्य चाणक्य ने प्रेरित किया, उसे ट्रेंड किया, और बाद में उसने मगध के शासक धनानंद को पराजित कर वहाँ के सेनापति भद्रसाल को हरा कर मगध की गद्दी पर कब्जा कर लिया था। तो ये पूरी स्टोरी है। अब क्योंकि मगध की जो कैपिटल थी पाटलिपुत्र, वो दो नदियों के किनारे है, पाटलिपुत्र का उल्लेख होगा इस नाटक में, और पाटलिपुत्र दो नदियों के किनारे है, एक आपकी सोन और एक आपकी गंगा। तो क्योंकि पाटलिपुत्र दो नदियों के किनारे है, गंगा एवं सोन, तो डेफिनेटली इसमें जिस नदी की चर्चा होगी उसका आंसर होगा हिरण्यवाह, हिरण्यगर्भ, या फिर जिसका नाम है सोन नदी। अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कवि, अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कवि त्रिपुरी के शासक कर्ण के दरबारी कवि नहीं थे, नहीं रहे? देखिए इनमें से कौन सा कवि त्रिपुरी के कलचुरी शासक लक्ष्मीकर्ण या कर्ण के दरबारी कवि नहीं रहे? देखो कर्ण के बारे में इन्होंने बहुत लिखा है, बिल्हण ने, ये रहे। गंगाधर और विद्यापति की भी चर्चा मिलती है, और नाचराज और कर्पूर की भी चर्चा मिलती है। मेरुतुंग एक जैन विद्वान है जिन्होंने प्रबंध चिंतामणि लिखी है, लेकिन ये मायूराज और मुरारी, इस नाम के कोई भी कवि उनके दरबार में नहीं रहे। तो इसका सही उत्तर है डी, यानी मायूराज और मुरारी, विल्हण, मेरुतुंग, गंगाधर, विद्यापति, नाचराज और कर्पूर, ये सभी लक्ष्मीकर्ण के दरबार में रहे हैं। ये वही लक्ष्मीकर्ण या कर्ण हैं जिन्हें भारतीय इतिहास में हिंदू नेपोलियन कहा जाता है। तो किस कल्चुरी शासक को हिंदू नेपोलियन कहा जाता है? तो हिंदू नेपोलियन कहा जाता है कर्ण उर्फ लक्ष्मीकर्ण को।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, धनंजय और धनिक, एक ऐसा सवाल जहां से हर साल एग्जामिनर अपना पूरा एफर्ट लगाता है एक क्वेश्चन पूछने का, बाकी आप समझदार हैं। मैं तो ये कहूँगा सारे कवियों के नाम पढ़ के जाओ, खासकर जो परमार वंश में रहते हो। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, पूछिए क्यों, बताते हैं आपको कंफ्यूजिंग क्यों है। देखो, देखिए एक राइटर हैं जिनका नाम है धनपाल, और उनको कहते हैं धनपाल जैन, बाद में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, जिन्होंने किताब लिखी थी तिलक मंजरी, किसी को याद आया? इनका संबंध तो है इनसे, किनसे है? भोज। लेकिन वो बात कर रहे हैं धनंजय धनिक। अब धा से धनंजय, धा से धनिक और धा से धनपाल, कन्फ्यूज़न है कि नहीं है? कितना कन्फ्यूज़न है एक जैसे नाम। लेकिन इस प्रश्न का जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा क्या? वो बनेगा बागपति मुंज, परमार शासक मुंज, क्योंकि परमार शासक मुंज के दरबार में रहते थे धनिक और धनंजय। देख लो, आने लायक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। धनिक और धनंजय का संबंध किसके दरबार से है? बागपति मुंज, बहुत फेमस है ना, जिनके शासनकाल में परमारों के स्वर्णिम युग की शुरुआत होती है। परमारों का स्वर्णकाल भोज है, भोज के दरबार में रहते धनपाल, जिन्होंने बाद में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। तो क्योंकि धनपाल से तो क्वेश्चन आ चुका है प्री में कि किस परमार राजा भोज के किस दरबारी कवि ने जो है बाद में जैन धर्म स्वीकार कर लिया, ये तो इसका मतलब अब ये आ सकते हैं। धनिक और धनंजय का संबंध किससे है? धनिक और धनंजय इज रिलेटेड मुंज, धनन मुन धनम मुन धनम मुंज, कनेक्ट करो आप बिंदी, ठीक है, और मुंज के धनिक। चलो, मेघसनी द्वारा रचित इंडिका में मध्य प्रदेश की किन दो नदियों का वर्णन है? बताए, क्या पता कौन सा क्वेश्चन आ जाए और आपको परेशानी में डाल दे। देखिए, मेघसनी द्वारा रचित इंडिका में मध्य प्रदेश की दो नदियों की चर्चा की गई, एक का नाम है प्रनास और एक का नाम है केनास। मैंने एक दिन और बताया था आपको कि इनके नाम थोड़े से ग्रीक टाइप के हैं, ग्रीक वर्ड में हैं, तो इनको याद रखिएगा। प्रनास और केनास नदियों की चर्चा जो है वो की गई है किसमें? मेघसनी की इंडिका में। संभवतः ये जो थी आपकी आपकी प्रनास और केनास, ये संभवता इन्हें हम केन और सोन मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? केन और सोन नदी रही होंगी ये, प्रनास और केनास। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, पेरिप्लस ऑफ रिथ्रेंसी की रचना किस विदेशी यात्री ने की है? पेरिप्लस ऑफ रिथ्रेंसी की रचना किस विदेशी कवि ने की है, बताएं। क्या सही आंसर होगा? अभी हम लोग मिडेवल यानी आगे का जो पोर्शन है ना, क्योंकि एक दिन में उतने क्वेश्चन नहीं हो पाते, तो मैं आपको बोल के जा रहा हूँ, आज तो हमने ये कर लिया, कल एक टेस्ट का एनालिसिस है जो अभी हुआ था मास्टर एडिशन टेस्ट सीरीज़ में, उसके बाद जो आपको टेस्ट करवाऊँगा उसमें मध्य प्रदेश की पॉलिटी, मध्य प्रदेश के ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश के हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के सभी के क्वेश्चन मिक्स करूँगा, और इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लूँगा, जैसे हम फॉरेस्ट हो गया, हमारा नेशनल पार्क हो गया, खनिज हो गए, उद्योग हो गए, जनगणना हो गई, आप समझ रहे हैं ना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गए, पॉलिटी से रिलेटेड, सब तरह के क्वेश्चन हम लेंगे उसमें। किस विदेशी यात्री की पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ रिथ्रेंसी? इसका सही आंसर है डी, अज्ञात लेखक। ये एक ग्रीक पुस्तक है और इसका राइटर अज्ञात है। एक्चुअली में एक कोई ट्रेवलर था, नाविक था, समुद्री नाविक था, जो भारत की यात्रा पर आया था, और इसने अपने विवरण को लिखा पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेंसी, परंतु पता नहीं है किसने लिखी है। द नेक्स्ट, किस विदेशी यात्री द्वारा ओजोन,
आप तो इस पे फोकस करो, एक क्वेश्चन तो आपको यही मिल गया। ग्रीक लोगों ने हमारे उज्जैन को क्या कहा है? ओजोन, ओजोन परत होती है, तो उन्होंने हमारे उज्जैन को ओजोन कहा है, ओजोनी। ओजोन को शकों की राजधानी कहा है, किसने उज्जैन यानी ओजैन को, किस विदेशी यात्री ने शकों की राजधानी कहा है, क्योंकि इस समय भारत में शकों का शासन भी था। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। और इसका जो सही आंसर है वो है बेटा टॉलमी। टॉलमी जिसने एक पुस्तक लिखी है भारत का भूगोल, इसने ओजोन को शकों की राजधानी कहा है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। टॉलमी ने कौन सी पुस्तक लिखी है भारत का भूगोल? चलें आगे। एक प्लनी भी है, न जाने क्यों ऐसा लगता है, क्या पता एग्जाम में आ जाए। इनकी बुक है, इसका नाम है नेचुरल हिस्टोरिका। अगर कोई चेंज हो तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेचुरल हिस्टोरिका इनकी है, और नेचुरल ज्योग्राफी का, या हम बोलते हैं भारत का जो भूगोल बोलते हैं, वो टॉलमी ने लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीयू की में मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, बताएं आप। सीयू की में मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों का वर्णन किया गया है? सीयू की में मध्य प्रदेश के, तो इसका सही आंसर है उपरोक्त डी, सभी क्षेत्रों का वर्णन है सीयू की में। सीयू की किसकी पुस्तक है बेटा? सीयू की पुस्तक है वेन सांग। वेन सांग जिसे हम स्वान चांग भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्वान चांग। स्वान चांग या वेन सांग, इसकी एक पुस्तक है। ये जो भैया है स्वेन चांग, स्वान चांग या वेन सांग, ये बहुत फेमस इंसान है। इसे नीति का पंडित भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नीति का पंडित। इसे वर्तमान शाक्य मुनि भी कहते हैं। शाक्य मुनि कहते हैं बुद्ध को, और वर्तमान शाक्य मुनि कहते हैं भैया को। इसे तीर्थ यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तीर्थ यात्रियों का राजकुमार। बाकी इसके बारे में बहुत सारे तथ्य हैं, जिसमें एक तथ्य ये भी आपने पढ़ा होगा, ये तो भैया के नाम हो गए, नीति का पंडित, तीर्थयात्रियों का राजकुमार, वर्तमान शाक्यमुनि। भाई साहब भारत में 16 साल रहे थे, जिसमें 1.5 साल नालंदा में पढ़े थे, 1.5 ईयर इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में स्टडी की थी, और इनके हिसाब से उस ज़माने में नालंदा में 10,000 छात्र पढ़ते थे, और उन 10,000 छात्रों के साथ साथ इन्होंने बताया कि वहाँ के कुलपति का नाम शीलभद्र था। तो ये विवरण जो है वो किसने दिया बेटा? ह्वेनसांग ने दिया है। और ह्वेनसांग जब आया था भारत में, तब हर्षवर्धन का शासन था। ये आदमी हर्षवर्धन के दरबार में 8 साल रहा था। इसके अलावा ये बातापी के जो चालुक्य शासक थे, पीटू के यहाँ गया, यानी बातापी, फिर कांची की यात्रा की, कश्मीर की यात्रा की, और उसने बहुत सारा विवरण भारत के बारे में लिखा है ह्वेनसांग। तो उसमें इसने मध्य प्रदेश के इन क्षेत्रों का वर्णन किया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्ष्वाकु के पुत्र दंडक का राज्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर था, बताएं। इक्ष्वाकु के पुत्र दंडक का राज्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर था? और इसका जो सही आंसर होगा वो है दक्षिणी क्षेत्र। देखिए दंडक के नाम पर एक फॉरेस्ट है या क्षेत्र है, जिसको बोलते हैं दंडकारण्य का क्षेत्र या दंडकारण्य पठार, ठीक है। ये जो पठार है वो पड़ता है छत्तीसगढ़ में, यानी सीजी। अब अगर हम देखें तो सीजी तो हमारा ईस्टर्न एमपी में भी आता है, लेकिन जिस जगह पर अगर आप अभी देखेंगे तो ये मोस्टली दक्षिण पूर्वी वाला रीजन है, मतलब वो जाएंगे तो छत्तीसगढ़ के साउथ में पड़ जाता है, इसलिए इसको हमने डी माना है सही आंसर। दंडक के नाम पे दंडकारण्य है, जहाँ पर भगवान राम ने अपना वनवास का कुछ समय बिताया था, राम लक्ष्मण सीता, दंडकारण्य।
अगला क्वेश्चन है वंश का साम्राज्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर था? है और है वंश का साम्राज्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर था? है बताएं, व्हाट इज द है वंश का साम्राज्य मध्य प्रदेश किस क्षेत्र पर था? इसका आंसर है महेश्वर। है वंश के सबसे प्रतापी राजा का नाम है कार्तवीर अर्जुन, या जिन्हें बोलते हैं सहस्त्रार्जुन। क्या नाम बेटा? सहस्त्रार्जुन। ये सबसे पावरफुल राजा थे। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने रावण को अपने यहाँ कैद करके रखा था। तो एक ऐसे भी राजा हुए जिन्होंने रावण को कैद करके रखा था अपने घर में, और इनकी हत्या की थी परशुराम जी ने, ब्राह्मण कुल के सर्वोच्च परशुराम महाराज या भगवान परशुराम जी के द्वारा इनकी हत्या की गई थी, कार्तवीर अर्जुन। ये कार्तवीर अर्जुन की स्टोरी है कि जमदग्नि ऋषि के आश्रम से ये कामधेनु गाय चुरा ले जाते हैं। जमदग्नि ऋषि के पुत्र होते हैं परशुराम जी। तो बहुत लंबी स्टोरी आपने सुना होगा, जमदग्नि ऋषि के कहने पे परशुराम ने अपनी माँ का सिर काट दिया था, वो स्टोरी बहुत है। फिलहाल आप याद रखिएगा, इसमें एक तो ये शासक हुए हैं महेश्वर, दूसरी खास बात ये है कि इन है वंशी शासकों से ही आगे चलकर एक वंश बना है कलचुरी। कलचुरी अपने आप को इन्हीं का वंशज कहते हैं। कलचुरी अपने आप को किसका वंशज मानते थे? कार्तवीर अर्जुन सहस्त्रार्जुन का, है वंशी। और क्योंकि ये जो है वंशी हैं वो चंद्रवंशी हैं, चंद्रवंश के राजपूत हैं, चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं, और ये भी आपके चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं क्योंकि उत्पत्ति तो उन्हीं से हुई है। चलें आगे। रामायण काल में कौन सा शासक, रामायण काल में कौन सा शासक अयोध्या नरेश के समकालीन मध्य प्रदेश के दंडकारण्य क्षेत्र का शासक था? अयोध्या के राजा थे उस समय दशरथ। तो राजा दशरथ के समकालीन मध्य प्रदेश में किसका शासन था, ऐसा वो पूछने की कोशिश कर रहे हैं। ए शत्रुघाती, बी यदुवंशी मधु, सी यदुवंशी मनु, और डी है करुषक। है करुषक, सा लगा है करुषक। जल्दी बताइए, टाइम हो गया हमारा। और इसका जो सही आंसर है वो है यदुवंशी मधु। तो उस समय दंडकारण्य क्षेत्र के जो शासक थे उनका नाम यदुवंशी मधु था, और ये राजा दशरथ के समकालीन मध्य प्रदेश के शासक थे। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? यदु द्वारा स्थापित यादव वंश का शासन निम्न में से किस नदी क्षेत्र में था? तो बताएंगे आप, यादव वंश का शासन निम्न में से किस नदी क्षेत्र पर था, बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है। और इसका जो सही आंसर है वो डी है। पूछे क्यों है डी? क्योंकि ये जो यदु द्वारा स्थापित राज्य था वो बुंदेलखंड में था, और दिए गए विकल्प में जितनी भी नदियाँ आप देख रहे हैं वो सारी की सारी नदियाँ बुंदेलखंड की हैं। चमरणावती या जिसे चंबल नदी कहते हैं बुंदेलखंड की उत्तरी सीमा में मिलेगी आपको। सुक्तिमती जिसे केन कहते हैं, और वेत्रवती जिसे बेतवा कहते हैं, ये तीनों नदियाँ हमको बुंदेलखंड में देखने को मिलती हैं। चले आगे, अगले। बुंदेलखंड की गंगा किसे कहते हैं इनमें से? तो बुंदेलखंड की गंगा कहते हैं, बुंदेलखंड की गंगा या जीवन रेखा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान बघेलखंड जिसे आज हम बघेलखंड कहते हैं का क्षेत्र का नाम इसमें किसके नाम पर पड़ा, बताइए। जल्दी बताएं। और इसका सही आंसर है करुषक, या जिसे कारुस कहते थे। बघेलखंड में एक डायनेस्टी शासन करती थी जिसे कारुस वंश कहते थे। तो याद रखिएगा बघेलखंड क्षेत्र का नाम करुषक। नेक्स्ट,
निषाद जाति का राज्य मध्य प्रदेश में कहाँ था? निषाद जाति का राज्य मध्य प्रदेश में कहाँ था? ये वही निषाद जाति है जिसका भगवान राम ने स्वागत किया था, निषाद राज जो उनके मित्र बने थे। चले, और इसका सही आंसर है सतपुड़ा विंध्याचल रीजन, और इसकी चर्चा होती है ऐत्रेय ब्राह्मण में। अब क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो इन दो पर्वतों के बीच एक नदी बहती है नर्मदा, तो इसका मतलब इनका राज्य नर्मदा नदी क्षेत्र में था। कुरर घर और सुदर्शनपुर मध्य प्रदेश के किस जनपद के प्रसिद्ध नगर थे? कुरर घर और सुदर्शनपुर मध्य प्रदेश के किस जनपद के प्रसिद्ध नगर थे बताइए? कुरर घर एंड सुदर्शनपुर, बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है अवंती। अवंती जनपद के प्रसिद्ध नगर थे, और इन दोनों का संबंध बौद्ध धर्म से, मतलब बौद्ध ग्रंथों में इनके बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बौद्ध ने, जैसे महात्मा बुद्ध होते हैं, बुद्ध ने चेदी जनपद के किस ग्राम में उपदेश दिया था? बताएं, बेहतरीन क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार ये आ जाए। महात्मा बुद्ध ने बुंदेलखंड के, या बोल सकते हैं चेदी जनपद के किस स्थान पर या किस ग्राम में उपदेश दिया था? और इसका जो सही आंसर है वो है सहजात नगर। क्या बेटा? सहजाती नगर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सहजाती नगर, यहीं पर बुद्ध ने उपदेश दिए थे जो कि चेदी यानी वर्तमान बुंदेलखंड में था। किस बौद्ध ग्रंथ अनुसार अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर उसे मौर्य साम्राज्य में मिला लिया? देखिए, एक बौद्ध ग्रंथ में ये कहा गया है कि अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर उसे मौर्य साम्राज्य में मिला लिया, ये किसने कहा है बताएं? चलिए जल्दी बताइए। इसका आंसर क्या होगा? बताएं जल्दी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। देखिए, इसका सही आंसर है सामंत पाशादिका एक पुस्तक है, और ये पुस्तक लिखी है बुद्ध घोष नामक विद्वान ने। तो बुद्ध घोष ने अपनी पुस्तक में दावा किया है कि अवंती को मगध में मिलाने वाला शासक अशोक था। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा है? क्योंकि आप सब जानते हैं अशोक के समय अवंती में रिवॉल्ट हुआ था, विद्रोह हुआ था, और उस विद्रोह को दबाकर उसे पुनः अवंती को मगध में मिलाया था किसने? अशोक ने। तो संभवतः उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के मौर्यकालीन नगरों में कौन सा सम्मिलित नहीं था बताएं? जल्दी बताइए, समय हमारा हो गया है। मध्य प्रदेश के मौर्यकालीन नगरों में कौन सा नगर शामिल नहीं था, यानी इनमें से किस नगर को हम मौर्य नगर में शामिल नहीं कर सकते? तो सम्मिलित नहीं था जो मौर्य नगर नहीं था, उसका सही आंसर है ग्वालियर, यानी हमारा ग्वालियर। हमारा ग्वालियर मौर्य क्षेत्र में नहीं आता था। हमारा जो ग्वालियर है वो मौर्य नगरों का पार्ट नहीं था। उज्जैनी, एरण और त्रिपुरी, ये सब मौर्यकालीन नगरों का हिस्सा रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विलियम जोन्स द्वारा निम्न में से किस मौर्यकालीन सम्राट को सेंड्रोपोटस कहा गया है? तो विलियम जोन्स ने किस सम्राट को सेंड्रोपोटस कहा है आप बताएंगे? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप बताइए। विलियम जोन्स ने किसे सेंड्रोकोटस कहा है? और इसका जो सही आंसर है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस के टाइटल से सम्मानित किया है, डी सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस कैसे कहते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को कहते हैं जो विलियम जोन्स ने पहचान की थी उनकी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जैन ग्रंथ में उल्लिखित किया गया है कि उज्जैन के राजा महेश और चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे? अब देखो, जैसे ये प्रश्न है आपको नहीं पता, लेकिन अगर आप दो तीन बार इसको देख लोगे एज इट इज तो आपसे गलत नहीं होगा, क्योंकि फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का कोई ऑप्शन आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा।
एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है रमण चूर्ण राय चरिये। इसमें ये कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय महेश्वर के जो उज्जैन के जो राजा थे वो महेश्वर थे, ऐसी बात इस जैन ग्रंथ में कही गई है। आप पूछे सर जैन ग्रंथ में क्यों कही गई है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे, इसलिए जैन धर्म में उनकी, जैन साहित्य में उनकी चर्चा की गई है। पतंजलि निम्न में से किस शुंग वंश के शासक के पुरोहित थे? तो पतंजलि किस शुंग शासक के पुरोहित थे आपको बताना है, बताइए। ऑलमोस्ट आज हमारी क्लास का टाइम लगभग हो गया बच्चों, नेक्स्ट सेशन जब होगा तो उसमें मध्य प्रदेश के इतिहास के, मध्य प्रदेश के आर्ट एंड कल्चर के, मध्य प्रदेश के भूगोल के, मध्य प्रदेश के पॉलिटी के, सभी के क्वेश्चन मिक्स होंगे अगले टेस्ट में हमारे। चले आगे बढ़ते हैं, नहीं तो एक काम करेंगे एक और टेस्ट ले लेंगे हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का, उसके बाद सबको मिक्स कर देंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है, इस प्रश्न का सही उत्तर है पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग के लिए पतंजलि ने 2 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे, कितने? 2 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे। और पतंजलि ने एक रचना भी लिखी है महाभाष्य, जो संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी पर टीका है। द नेक्स्ट, सुंगों के पूर्वज मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? ये क्वेश्चन 2016 प्री में आया था, 2016 या 18 प्री का है, ऑलरेडी प्री में पूछा गया है सुंगों के पूर्वज मूलतः कहाँ से थे। सुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से आए थे? तो देखिए सुंगों के जो पूर्वज हैं मूलतः उज्जैन से आए थे, और इन्हें उज्जैन से लाने वाला था अशोक। आप तो सब जानते हैं कि अशोक अवंती का राज्यपाल था, तो अशोक जब अवंती में रहता था तो उसी के समय कुछ सुंग जो हैं मगध में आ गए थे। बाद में इन्हीं सुंगों के कुल में हुआ था पुष्यमित्र सुंग, जिसने मगध के शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। सुंग शासक अग्निमित्र का मित्र कौन था जो विदर्भ का राज्यपाल बना था? तो अग्निमित्र का कौन सा मित्र था जो विदर्भ का राज्यपाल बना था आपको बताना है, बताइए। सुंग शासक अग्निमित्र का मित्र कौन था जो विदर्भ का राज्यपाल बना? और इसका सही आंसर है माधव सेन। देखिए माधव सेन की बहन थी मालविका, और मालविका से फिर बाद में मोहब्बत हो गई थी किसको, हमारे अग्निमित्र भैया को। आप तो जानते हैं इन दोनों के ऊपर कालिदास ने किताब लिखी है मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम जो नाटक है वो कालिदास का है, और इसका नायक है कौन, अग्निमित्र, और इसकी नायिका है मालविका। मालविका विदर्भ के जो राज्यपाल है माधव सेन की बहन थी मालविका, ठीक है। तो एक लंबी स्टोरी है, आपने एग्ज़ाम से पहले अगर पढ़ा हुआ तो ज़रूर बताई होगी। सुंग वंशीय के शासक के काल में विदिशा का खाम बाबा स्तंभ स्थापित किया गया है, बताएं। दूसरी बार आया ये क्वेश्चन, ठीक है। आई थिंक ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, एक आध क्वेश्चन और होगा, इससे आगे अब हम कल करेंगे। देखिए इसका सही आंसर है भागवत, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हेलियोडोरस तक्षशिला के यूनानी शासक के दरबार से आया था, जिसका नाम था क्या, एंटेलकिड्स। उसके दरबार से आकर उसने भारत में कौन सा धर्म ग्रहण किया, भागवत धर्म ग्रहण किया, और भगवान विष्णु के सम्मान में गरुण स्तंभ, कौन सा स्तंभ बेटा, गरुण स्तंभ, या जिसे खाम बाबा अभिलेख कहते हैं, इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें, आई थिंक हो गए होंगे। चलो ये और बताओ आप, अच्छा क्वेश्चन है, पता तो हो कि आपको ये पता है कि नहीं पता है, बताएं। भले ही क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है लेकिन क्या आप इसका आंसर जानते हैं, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताएं,
चलो बढ़िया है। वैष्णव भगवान विष्णु। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं समाप्त होती है, आगे कल हम फिर मिलेंगे। कल देखिए, कल एक टेस्ट एनालिसिस है, आपने देखा होगा 16 नवंबर को आपका एक टेस्ट हुआ था मास्टर एडिशन टेस्ट सीरीज में, जिसमें आपका एक कंबाइंड पूरा टेस्ट था, पूरा FLT हुई थी जिसे हम बोलते हैं। तो उसका एनालिसिस सेशन है, उसको कल हम करेंगे, 3 बजे ही रहेगा उसका टाइम। और नेक्स्ट डे आपका एक कंप्लीट MPGK का टेस्ट होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन लाभदायक रहा होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।